रोहतास जिला के डेहरी के अनुमंडलीय न्यायालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चप्पल में टाइमर बम होने की बात चारों तरफ फैल गई। आनंद फानन में पुलिस डिटेक्टर तथा अन्य उपकरण से चप्पल की जांच शुरू कर दी गई। प्रथम दृष्टया वह एक मामूली चप्पल ही दिख रहा था, लेकिन जब दोनों चप्पल को पुलिस जब्त कर डिहरी थाने लाई तथा चप्पल को फाड़ कर देखा गया तो पुलिस भी दंग रह गई। चप्पल के अंदर दो मोबाइल तथा चार्जर वायर सलीके से रखे गए थे। गौरतलब है कि सासाराम में भी सिविल कोर्ट के पास दो बार बम विस्फोट हो चुका है। जिस प्रकार से अनुमंडल न्यायालय डेहरी के पास ये मिला है, यह कई सवाल खड़े करता है। अनुमंडल न्यायालय के पास जहां अधिवक्ता बैठते हैं, उसी जगह पर यह चप्पल पाया गया है। चप्पल में कुछ आवाज निकलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कैसा मोबाइल है जिसे चप्पल में छुपाकर न्यायालय परिसर के पास रखा गया है। हालांकि रोहतास एसपी सत्यवीर सिंह का कहना है कि संभवतः यह कैदियों तक फोन पहुंचाने की योजना हो। मामले की जांच की जा रही है, अभी भी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वकालत खाना है, वहाँ पर एक चप्पल था जिसमें आवाज कर रहा था, जैसे एफएम रेडियो जो नहीं पकड़ता है उस तरह की आवाज हो रही थी। तो क्या हुआ फिर, आगे क्या हुआ? सारे लोग सुने, सुनने के बाद पुलिस आई, उसको लेकर चली गई।